मूर्ति को थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख देती हूँ, तब तक दूसरा काम कर लूंगी। देवी की मूर्ति के बिना कैसे पूजा कर पाओगी नंदिनी? अच्छा हुआ मैंने नंदिनी की मूर्ति छुपा दी और अपने लिए बाजार से मूर्ति ले आई। चांदनी, ये मिट्टी की मूर्ति तुम इसे खरीद के लेकर आई हो? तुम्हें पता है ना, जो पूजा करता है वो अपने हाथों से बनाता है मूर्ति। ओह गॉड, ये कैसे हमेशा गलत टाइम पर आ जाता है। आई एम सॉरी शोभित, वो मुझे मूर्ति नहीं बनानी आती ना, तो फिर मैंने सोचा कि अगर कुछ उल्टी सीधी बना दूंगी तो फिर तुम्हारी भी इंसल्ट होगी ना। आई एम सॉरी। अच्छा, मेरी इंसल्ट होगी? बड़ी फिक्र हो रही है मेरी इंसल्ट की। मेरे होने ना होने से तुम्हें कोई फर्क पड़ता है? ऐसा क्यों बोल रहे हो? हाँ, मैं कभी कभी चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, लेकिन वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इतना बड़ा शिफ्ट मेरे लिए आसान नहीं है शोभित। इस प्रेगनेंसी की वजह से मुझे अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर रहना पड़ रहा है, और कभी कभी तो ऐसा भी लगता है जैसे मैं इस फैमिली के ऊपर बोझ हूँ। मैं कुछ बोलती नहीं हूँ शोभित, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत परेशान रहती हूं मैं। शायद इसीलिए कभी कभी गुस्सा कर देती हूं मैं। चांदनी, क्यों ऐसे यार बेकार की बातें सोच रही हो? और कोई बोझ बोझ नहीं हो तुम, इस परिवार की बहू, इस फैमिली का हिस्सा हो। बस पूरा टाइम गुस्से में मत बात किया करे, ऐसा लगता है कि मेरे लिए तुम्हारा प्यार ही बिल्कुल खत्म हो गया। शोभित, ऐसा कभी हो सकता है क्या? अच्छा, इस मूर्ति के बारे में ना किसी को मत बताना, मैं भी नहीं बताऊंगा। शोभित को मुझे अपने साइड रखना ही होगा। वैसे ही एक बार वो कह चुका है कि हम अलग रह सकते हैं। अगर मैंने ये घर छोड़ा तो मैं तो दर्द से दूर हो जाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए मुझे शोभित से अच्छा बिहेव करना पड़े तो वही सही। नंदिनी, माता जी की मूर्ति बन गई ना? हाँ। जल्दी लेकर आ, पूजा करनी है, मुहूर्त का समय भी बीत रहा है। मूर्ति कहाँ गई? पूजा से पहले कुलदेवी माँ की मूर्ति ऐसे गायब नहीं हो सकती है। कौन लेकर चला गया? ये तो अपशगुन हो गया ना, ऐसा नहीं हो सकता। नंदिनी, क्या हुआ, इतना स्ट्रेस आउट क्यों? सब ठीक है? दर्शी, मैंने ना कुलदेवी माँ की मूर्ति बनाई थी और मैं 2 मिनट के लिए अंदर गई ना, और जब वापस आई तो गायब हो गई। ये तो अपशगुन हो गया ना। ए, come on, relax. कोई अपशगुन नहीं हुआ है। अच्छा, आप समझ नहीं रहे। ये पूजा मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने सोचा था कि अगर मैं पूरे दिल से कुलदेवी माँ की पूजा करूंगी ना, तो वो मुझे माँ बनने का आशीर्वाद देंगे। लेकिन अब तो पूजा से पहले मूर्ति गायब हो गई, तो ये तो अपशगुन हो गया ना। अरे पर ये मिट्टी तो अभी बची हुई है ना, हम दोनों मिलके नई मूर्ति बना लेते हैं, फिर तो कोई अपशगुन नहीं होगा ना।
लेकिन मुहूर्त का वक्त तो जा रहा है, तो अब हम अरे अगर मुहूर्त जाने वाला है तो टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? चलो जल्दी जल्दी मूर्ति बनाते हैं। ये देखो मुहूर्त का टाइम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तुम ऐसे ही स्ट्रेस लेने लग जाती हो छोटी छोटी बातों पे। मैं हूं ना, और तुम्हारे माथे के ये बल ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं मुसीबत जी सब बेस्ट। मुहूर्त शुरू हो गया है, नंदिनी क्यों नहीं आई अब तक? आई होप उसकी मूर्ति को कुछ हुआ ना। ये क्या बोल रही हो चार्मी? शुभ शुभ बोलो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। मैं जाके देखती हूँ नंदिनी कहाँ रह गई। ये लो, आ गई नंदिनी। मैं कोशिश भी क्यों करती हूँ, नंदिनी को नीचा दिखाने का कोई भी प्लान कभी वर्क ही नहीं करता। भाभी पूजा शुरू करते हैं। हाँ आओ नंदिनी। वाह एटीएम, एटीएम ये कितनी प्रिटी मूर्ति है, तुमने अपने हाथों से बनाई है? मैंने भी हेल्प की है। पूजा संपन्न हुई। वो मैंने गरीबों के लिए कुछ कपड़े निकाल के रखे हैं, वो देकर आ जाओ। अरे अच्छा काम करने के लिए कभी किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती, जा। चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। मैं भी चलूंगी। चलो
स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।